चलिए एक और बच्चे से मिलते हैं जिनका ऑल इंडिया रैंक 22 में 30 है, राधेश्याम, जो कि पुणे महाराष्ट्र से हैं। और खास बात है कि राधेश्याम ने पूरे एक साल भोपाल में क्लासरूम में पढ़ाई की और राधेश्याम के ब्रदर ने भी 158 रैंक अचीव किए, जिनका इंटरव्यू आप आगे चल के देखोगे। तो राधेश्याम, सबसे पहले आपको और आपके ब्रदर को इस रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो आपके चेहरे से खुशी दिख ही रही है अलग से, 30 रैंक आना कोई छोटी बात नहीं होती। और खास बात यह कि आपने, क्योंकि पिछले साल बिना प्रिपरेशन के किया था तो आपकी रैंक 1000 के आसपास थी, आप सीधे उसमें 30 रैंक पे आ गए। तो राधेश्याम, मैं चाहूंगा कि आपका भोपाल का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी बताएं, कब से निमसेट के लिए सोचा था, कैसे आपने प्रिपरेशन की, मतलब मैं चाहूंगा इंटायर सक्सेस जर्नी जो आपकी है वो आप बहुत डिटेल में बताएं। एक्चुअली मैं तो पहले ग्रेजुएशन के टाइम सीडीएस का प्रिपरेशन कर रहा था, सीडीएस के 2 अटेम्प्ट दिए थे और उसमें इंटरव्यू के लिए भी एलिजिबल हुआ था, इंटरव्यू के लिए भी भोपाल में ही आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ था। फिर मेरे भाई को पता था कि यार इसने 2 अटेम्प्ट दिए नहीं हुआ है, तो फिर वो बोला कि यार मैं निमसेट का प्रिपरेशन कर, बीएससी मैथ्स ऑनर्स है और मेरा भाई का बीसीएस चाहिए, बीसीए था, तो फिर उसने बताया कि यार मैं निमसेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो तू भी एक बार ट्राई करके देख, उसमें मैथ्स का सिलेबस है। और मैं बीएससी मैथ्स में इंटरेस्ट भी था तो इसलिए बीएससी मैथ्स लिया था, तो फिर मैं सोचा कि चलो यार एक बार ट्राई करते। लेकिन एक हुआ था कि जो कि मार्च में पता चला था मुझे पिछले साल, और अगस्त में ही एग्जाम होने वाला था, तो फिर भाई को बोला यार टाइम तो कम है, तो बोला कि कुछ नहीं यार तू कर सकते है, तो फिर हम दोनों ने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो फिर ऐसा लगता था कि नहीं यार हो जाएगा, मतलब पूरा 100% देना है बस यही है, तो 100% दिया था हम दोनों ने भी। तो उसका NIT रायपुर मिला था उसे, और मुझे तो कुछ नहीं मिला, 1024 रैंक थी। तो ठीक है, फिर लगा कि जब रिजल्ट आया, लेकिन जिस दिन रैंक कार्ड आया और पता चला कि मेरा तो नहीं होने वाला है, और भाई बोला कि उसका तो हो जाएगा, मतलब देखिए हम दोनों ने भी सोचा कि यार नहीं अभी, मतलब भाई भी बोला कि NIT रायपुर तो नहीं चाहिए, हम इससे ज्यादा कुछ हासिल कर सकते हैं, उतना कॉन्फिडेंस है हम। तो फिर हम दोनों ने तुरंत, मतलब 1 तारीख या 2 तारीख को रिजल्ट आया था, और हमने 7 सितंबर का ही तुरंत रिजर्वेशन कर दिया था। सर से एक बार बात किया, सर बोले कि बेटा कुछ नहीं तुम आ जाओ वहाँ पे। सर हम दोनों वहाँ पे गए और सर से मतलब एक ही बात की कि सर हम अभी आ रहे हैं तो यहाँ से टॉप रैंक लेके जाने वाले हैं। तो सर भी बहुत खुश हुए, सर बोले कि मतलब ये बहुत अच्छा होगा कि आप दोनों साथ में आए और दोनों साथ में अवार्ड लेके जाओगे, तो ये बहुत अच्छा लगा था। फिर वहां से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, पहले तो खुद प्रिपरेशन करता था कि ना किसी से बात करनी है ना कुछ करनी है, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि नहीं ग्रुप के साथ अगर तुम पढ़ाई करोगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। और उसमें सर के जो स्टोरी थी, मतलब सर ने फर्स्ट टाइम एक स्टोरी बताई थी कि ये ऐसा एग्जाम है कि इसमें बहुत सारे बच्चे अप्लाई करने वाले और वही टिकेगा जो लास्ट तक एफर्ट्स देते रहेगा और कंसिस्टेंस रहेगा। तो ये बात मतलब पहले से ध्यान में थी कि सर से हर एक बात फॉलो करनी है, सर की वो बस वही स्टोरी से कंसिस्टेंट पढ़ाई चालू करनी। तो राधेश्याम, आप दोनों भाइयों ने पढ़ाई की, आपकी रैंक 30 है, ब्रदर की रैंक 158 है, दोनों की बहुत अच्छी रैंक है, आपको डेफिनेटली त्रिची मिलेगा, ब्रदर को सूरत कल या इलाहाबाद में से कोई एक कॉलेज मिलेगा, तो अब आपका थोड़ा सा हो सकता है कि कॉलेज अलग अलग हो जाए, पर एनीवे। तो ये बताओ, जब आप भोपाल में पढ़ाई करते थे, कई बच्चे जानना चाहते हैं कि पढ़ाई में, टेस्टिंग में, एनालिसिस में आपने क्या क्या एफर्ट डाले, क्योंकि देखो ड्रॉप जब लेते हैं तो कई बार एक मन में प्रेशर होता है, फाइनल वाले बच्चों के ऊपर और ड्रॉप वाले बच्चों के ऊपर एक अलग अलग तरह की चीजें होती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो एक ड्रॉप का कई बार फेयर होता है, कई बच्चे ड्रॉप लेने से घबराते हैं, जैसे आपने तो खैर जिस दिन मुझे फोन किया था मुझे याद है यही बोला था कि रैंक लेके जाएंगे, पर फिर भी मन में कभी ऐसी चीजें आई हो तो वो जरूर शेयर करो, क्योंकि जब कोई ड्रॉप लेना चाहता है वो ये वीडियो को सुन के अपने आप को रिलेट कर पाए। देखो अगर आपको अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं इतना काबिल हूँ कि मैं और अच्छे से अच्छे कॉलेज में जा सकता हूँ, तो प्लीज मतलब ये मत करो कि एक साल आप ये मत सोचो कि मेरा बर्बाद हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक साल के बाद अगर आपको टॉप रैंक मिली तो जहां बच्चे मतलब कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं आप उससे कहीं ज्यादा NIT में जाके हासिल कर सकते हो, तो ड्रॉप का ये मत सोचो। लेकिन सिर्फ एक चीज है कि आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अगर ड्रॉप लिया है तो फिर आप वैसे ही पढ़ाई कर रहे हो कि जैसे पिछले साल भी करते थे या फिर पढ़ाई करते थे, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ऑब्वियस है कि कॉलेज जैसे पढ़ाई नहीं चलेगी यहाँ पे, यहाँ पे आपको कंसेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा हर एक चीज के बारे में, मतलब वहां पे डेप्थ नॉलेज आपको चाहिए कि कैसे करना है क्या करना है। तो मैं ड्रॉप लेने की अगर आप सोच रहे हो तो ये 100% ध्यान में रखो कि मुझे अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन करना है, मेरा 100% देना है
और कभी भी ये नहीं सोचना है कि मुझे त्रिची जाना है, मुझे सूरतगढ़ जाना है, मुझे टॉप 100 में आना है। ये अगर आपने सोचा फोकस करोगे पे कम फोकस करोगे, तो इसलिए मुझे ये लगता है कि आप ड्रॉप ले सकते हो, अगर खुद को ऊपर कॉन्फिडेंस है तो जरूर लो, लेकिन सिर्फ ये है कि रैंक त्रिची चाहिए सूरतगढ़ चाहिए ये मत देखो। जब सिलेक्शन होगा तब अपने पास टाइम ही टाइम है, सूरतगढ़ का देखो त्रिची का देखो, जो आपको आर्ट कॉलेज में जो चाहिए वो मिलेगा अगर आपका अच्छा रैंक आया तो। यही है कि अगर आप और ड्रॉप में सॉरी रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो तो इसके ऊपर मत जाओ कि मैं ये बुक करूंगा, आरडीओ ऑब्जेक्टिव करूंगा, सेल्फ स्कोरर करूंगा, क्योंकि मेरे ही साथ में मुकुल था, मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे इन्होंने भी ड्रॉप लिया था, उनका नॉलेज भी बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने कभी ऐसे बुक्स फॉलो करने के लिए बुक्स के पीछे नहीं गए कि नहीं यार मैं वो ऑब्जेक्टिव करता हूँ ये करता हूँ। इसलिए जो रेगुलर के जो मुझे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, मैं तो बोलूंगा सर का मटेरियल अगर आप अच्छे से करोगे अगर रेगुलर में हो तो आपका सिलेक्शन टेस्टिंग जो है सर का बस, मतलब सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमने भी पहले मैंने और मेरे भाई ने सोचा था कि यार वहां जाके अभी ऑब्जेक्टिव करेंगे सेल्फ स्कोरर करेंगे, अभी तो नहीं इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता हमारे, लेकिन पहले तो लगा भी सेल्फ स्कोरर भी खरीदा पढ़ना भी स्टार्ट किया, लेकिन धीरे धीरे पता चला सर से जब बात करते थे तब कि सर हर बार बोलते थे हर टेस्ट के बाद कि देखो ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं है, ये तुम्हारे लॉजिक का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, आप ऑप्शन देखो साइन थीटा है तो उसका आंसर माइनस वन से वन तक ही होगा, तो आप क्यों उसका दो ऑप्शन थ्री टू क्यों देख रहे हो, मतलब ये चीजें आपको लॉजिक से पता चलेगी, और ये लॉजिक आपका जो सर बोलते थे कि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होगा, आप एक क्वेश्चन बार बार रिपीट करने से होगा। तो सर की जो टेस्टिंग सर का मटेरियल, मतलब बस हमने तो वही किया है, और मैंने और मेरे भाई ने भी जो मेरे साथ थे मुकुल था नीरज था, मतलब बहुत ऐसे हमारे पूरे स्टडी रूम के जो बच्चे थे। बिल्कुल सही बात बोली बेटा राधेश्याम। अच्छा एक चीज होती है जो अभी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि जब हम ड्रॉप ले रहे हैं तो हमें खुद पे बिलीव होना चाहिए, और जो प्रिपरेशन हम पहले कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, और बार बार ये सोचो कि ये कॉलेज मिलेगा कि ये मिलेगा नहीं मिलेगा, ये चीज हमारे अंदर स्ट्रेस लाती है। जितना स्ट्रेस फ्री पढ़ाई करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, और वही चीज आपको ड्रॉप और जीवन का वो साल मत बचाओ जो कि अगले 50 साल बनाने वाले हैं, क्योंकि एक ड्रॉप आपकी इंटायर लाइफ को चेंज करता है। मैं ये नहीं कहता कि प्राइवेट कॉलेज से जॉब नहीं मिलता या कुछ नहीं, पर फिर भी हमारे मन में कई बार सबके अपने अपने ड्रीम होते हैं, तो कई बार एक अच्छा कॉलेज आपको काफी आगे बढ़ा देता है, उसका फायदा डेफिनेटली मिलता है। तो जो भी बच्चे अगर ड्रॉप लेना चाहते हैं पहले खुद पे भरोसा होना चाहिए, अगर भरोसा नहीं तो ड्रॉप मत लो, पर अगर आपको लगता आप कर सकते हो मेहनत करके निकाल सकते हो तो डेफिनेटली आप एक साल में बहुत अच्छी रैंक अचीव कर सकते हो। देखो आपके सामने इंपिटस में ऐसे सैकड़ों एग्जांपल मिलेंगे जिन्होंने कर दिखाया, और आपने उन बच्चों को देखा है, और अभी अवार्ड में आओगे तो बहुत सारे बच्चों से मिलोगे भी। इनफैक्ट इस बार अवार्ड सेरेमनी में सीनियर्स भी रहेंगे जूनियर्स भी रहेंगे, सबसे एक मिलने का मौका मिलेगा। तो राधेश्याम आपका ये बताओ कि जो बच्चे फ्रेशर्स हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है या फाइनल ईयर में है या ड्रॉप ले रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और अगर आपका बीएससी मैथ्स बैकग्राउंड है तो फिर आप सही हो, और आप थर्ड ईयर के बाद भी प्रिपरेशन थर्ड ईयर के टाइम भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपका बीसीएस बैकग्राउंड है और मैथ्स थोड़ा अगर आपको लग रहा है कि वीक है तो आप जरूर सेकंड ईयर से स्टार्ट करो प्रिपरेशन करना। तो सर से एक बार बात करके देखो, क्योंकि जब आप सर से बात करोगे तो वो अलग ही मतलब लेवल का होगा जो सर बोलेंगे सर बात करेंगे, क्योंकि हम तो छोटे हैं, मतलब सर को सर तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, कितने बच्चे सर से मतलब हाथ के नीचे से गए तो फिर हम कुछ नहीं है मतलब बताने के लिए। लेकिन ये है कि अगर आप थर्ड ईयर में भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो बुक्स के पीछे मत भागो, मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि सर ने भी हमें ये बोला था, मैंने भी यही बोला था, और यही है। लेकिन और एक चीज है कि अगर आप कर रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन ऑनलाइन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और आपको उतना डिटर्मिनेशन चाहिए होगा, तभी फिर आपका रैंक आ सकता है। क्योंकि जो अभी भी जो स्टूडेंट्स है मतलब चार पांच मतलब ऐसे बहुत सारे इनके भी जो इन्होंने अभी टॉप किया है वो ऑनलाइन थे, लेकिन उनका डिटर्मिनेशन हम देखते थे कि एकदम टॉप पे है कभी भी, तो फिर वही है कि आपका कंसिस्टेंसी चाहिए वहां पे तब होगा। और अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे हो तो ऑफलाइन में एक प्लस बेनिफिट ये होगा कि आपका जो ग्रुप बनेगा वो ग्रुप आपको इतना हेल्प करेगा कि आप मतलब सोच नहीं सकते, क्योंकि मेरे सर स्टडी रूम में मुकुल विवेक रोहित नीरज मतलब नितिन ऐसा मतलब भाई दो चार जनों का नाम भी क्योंकि इंपिटस की एक सबसे अच्छी बात है कि हर बच्चा आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करता है मिलके रहते हैं, एक एक इतना अच्छा ग्रुप है ये जो आपके लाइफ टाइम बनकर रहने वाला है, तो वो एक अलग आपका एक्सपीरियंस होता है लाइफ का।
हाँ कि जो टीजे था डाउट्स पूछे थे, प्रदीप था, मतलब इतने डाउट्स पूछे थे क्योंकि आप मतलब बोलते थे कि चलो ठीक है आपके लिए एक डेढ़ घंटा में डाउट सेशन ही लग रहा हूँ कि आप मतलब बात कर सकते हो उस टाइम पे, तो वो सेशन ऐसे लगता था कि हाँ यार मतलब कब वो सेशन है 7:30 कब बजे, कि मतलब हम एक दूसरे को क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन वो क्वेश्चन पूछते पूछते मेरे ही इतने कंसेप्ट डेवलप हुए जो मुझे नहीं पता होते थे वो भी उनसे पता चलते थे। ये इम्पिटस की मुझे सबसे अच्छी बात लगी है कि आप यहाँ पे बोल सकते हो, आपस में बात कर सकते हो, डाउट सॉल्व कर सकते हो, इससे अपना भी रैंक इम्प्रूव हो जाता है बाकी का भी, और एंटायर मतलब बहुत सारा अच्छा लगा कि स्टडी रूम में पढ़ते मतलब जो दोस्त मिले थे तो मतलब उनका तो क्या कहना मतलब बस। चलो बहुत ही खुशी की बात है राधे श्याम, बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा, अब आप ऐसे ही आगे भी बेस्ट परफॉर्म करो और बहुत खुश रहो, अपनी कोडिंग कॉम्पिटिटिव कोडिंग इन सब पे वर्क करो, पहले सेमेस्टर से अपने आप को ऐसा परफॉर्म करो कि जब प्लेसमेंट हो तो टॉप प्लेसमेंट हो। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। यस सर, और सर एक एक ही मैं लास्टली थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मेरे पहले तो मेरे मौसी मतलब मेरा जो भाई है वो मौसी का बेटा है, तो मौसी के दो बेटे एक IIT में है और एक अभी जो मेरे साथ पढ़ता था वो NIT में, तो मेरे मौसी ने ही बताया था कि तू साइंस ले, फिर उसके बाद उसने ही बताया था कि चल ठीक है तेरा इंजीनियरिंग नहीं हुआ है तो तू मैथ्स ले, और उसके बाद उसने बताया था कि तू अभी NIMCET का भी प्रिपरेशन कर, तो ये तीनों मतलब मेरे लिए एकदम ऊपर है कि अभी मतलब उन्होंने ही, और सर नेक्स्ट की फैमिली मम्मी पापा फिर जीजा फिर दीदी और मतलब बाकी सब लोग सर मतलब उनके ही सपोर्ट से कुछ होता है, क्योंकि हम तो एक एफर्ट्स करने वाले होते हैं लेकिन बाकी का जो सपोर्ट लगता है वो सर मिलना बहुत मतलब ये होता है। बहुत अच्छी बात बोली बेटा आपने, क्योंकि देखिए जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने आपको किया, मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ इंटरव्यू में उन सबके नाम लो जिनने आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया, और वो सपोर्ट के वजह से ही आप आगे जाके बढ़ते हो और उसी वजह से आपकी चीजें वो मिल पाती है जो आप चाहते हो, तो फैमिली सपोर्ट रिलेटिव सपोर्ट कहीं ना कहीं, तो कई बार ड्रॉप लेते हैं कई बार सपोर्ट नहीं मिलता तो भी बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपके साथ अच्छा ये रहा कि आपको सबने सपोर्ट किया और वो सपोर्ट सिस्टम के वजह से आपने इतनी अच्छी रैंक अचीव की। हाँ सर, और सर एक होता है कि मतलब पिछले बार मैं भी जब इंटरव्यू देखता था तो सबके मन में ये क्वेश्चन आता है कि कितने मार्क्स थे आपके, तो मैं ये बताता हूँ कि मतलब फिर कमेंट में कोई ना पूछे। हाँ ये मैं पूछ रहा था मार्क्स कितने थे, सभी पूछते हैं मार्क्स कितने थे। सर तो फिर मैथ्स में 459 थे, LR में 175 थे, कंप्यूटर में 64 थे, इंग्लिश में 18 थे, और ऐसा टोटल 6.5 मार्क्स। गुड, चलो कांग्रेचुलेशन बेटा। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर।